एक्चुअल में जो चिंता है, एंग्जाइटी है, वो एक प्रो सर्वाइवल ट्रेट है। मतलब कि इवोल्यूशन के दौरान लाखों साल पहले, हजारों साल पहले, वो लोग जो चिंता नहीं करते थे वो खत्म हो गए। क्योंकि आपके पैर में मान लीजिए घाव हो गया है, कहीं कांटा चुभ गया, पैर पक गया है, तो अगर कोई करे गया, हाँ ठीक है जाने दो, तो गैंग्रीन फैल गया और फिर मर गए। तो ऐसे लोगों के जीन्स उनके साथ ही खत्म हो गए। वो लोग जो चिंता करते थे, हर छोटी सी चीज़ को ठीक करना चाहते थे, वो लोग सरवाइव किए। तो इसलिए हम देखते हैं कि जैसे जैसे सोसाइटी में हम समय में आगे बढ़ते जा रहे हैं, लोगों में एंग्जाइटी और चिंता बढ़ती जा रही है। प्रो सर्वाइवल ट्रेट है ये। लोगों में अब अवेयरनेस भी बढ़ रही है, तो छोटी छोटी हेल्थ इश्यूज को न सिर्फ देखते हैं, ज़्यादा चिंतित होते हैं, उसको ठीक भी करना चाहते हैं। उस छोटी प्रॉब्लम को शुरू में ही डॉक्टर पास जाकर ठीक करने की वजह से सर्वाइवल और इम्प्रूव होता है। तो इसलिए हम देखते हैं कि हम लोग का जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बढ़ रही है। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी 60 साल के ही आसपास थी, बल्कि कम ही थी। लोग रिटायर होने के बाद ज़्यादा नहीं जीते थे। अब जब हम लोग मेडिकल कॉलेज में थे, उस टाइम हम लोग पढ़ते थे कि ये 64 ईयर है। अब 74 ईयर हो गई है, डेवलप्ड कंट्रीज़ में 85 ईयर्स है, और आज से 20-30 साल बाद ज़्यादातर लोग 95-100 ईयर्स जिएंगे। हम लोग देखते हैं जापान वगैरह में, तो जो और ज़्यादा सुपर डेवलप्ड कंट्रीज़ है, वहाँ पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई। तो उसकी वजह ये है कि ज़्यादा चिंता करना, प्रॉब्लम को जल्दी पकड़ लेना, उसका ठीक इलाज करा लेना। हमने अमेरिका गए थे, तो वहाँ देखा कि जो सब्जी मार्केट है, वहाँ पर आपको साथ में सप्लीमेंट की टैबलेट की अभी शेल्फ है। कोई सब्जी लेने गया तो साथ में कैल्शियम टैबलेट भी ले आओ, फिश लेने गया साथ में एक ओमेगा 3 भी ले आओ, जो लोग सप्लीमेंट खाते रहेंगे। इंडिया में कल्चर कम है, लेकिन हेल्थ के लिए देखा है तो बेनिफिशियल है। क्योंकि इंडिया में ज़्यादातर लोग डिफिशियंट होते हैं, आयरन डिफिशियंसी इतनी कॉमन है कि अच्छे खासे मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास फैमिलीज में भी फीमेल्स में हीमोग्लोबिन कम रहता है। तो आइडियली तो खाना चाहिए सप्लीमेंट्स, तो वो वाला कल्चर हम लोग यहाँ भी आ रहा है। जैसे जैसे हम देखते हैं कि सोसाइटी ज़्यादा सिविलाइज हो रही है, उनमें एंग्जाइटी बढ़ रही है, चिंता बढ़ रही है। जो प्रो इवोल्यूशनरी ट्रेट है ये बढ़ रहा है। अमेरिका में लोग बहुत एंग्शियस रहते हैं। तो ये मत सोचो कि हम लोग ज़्यादा समझदार हो जाएंगे, ज़्यादा लोग एजुकेटेड हो जाएंगे, तो लोगों में चिंताएं कम हो जाएंगी, चिंता बढ़ेगी। और स्पिरिचुअल गुरु लोग हैं, उनका भी मार्केट बढ़ेगा। फिर तो गुरु जी कहेंगे नेगेटिव मत सोचो, ठीक हो जाओगे, इस तरीके से सोचो। पर ये प्रो सर्वाइवल ट्रेट है, और इसका होना किसी न किसी तरीके से फायदेमंद है। क्योंकि कोई छोटी सी प्रॉब्लम के लिए आप ज़्यादा चिंतित होंगे, पहले डॉक्टर पास जाएंगे, जल्दी ठीक कराएंगे उसे, है ना? तो इसलिए अगर आपको चिंता हो रही है, एंग्जाइटी हो रही हो, तो उसके लिए भी अलग से चिंतित होने की जरूरत नहीं है, डबल चिंता हो जाएगी। सही चीज़ है, मान लीजिए।